हमारे जो मंदिर हैं वो सिर्फ ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त करने के लिए नहीं है, वो अपनी मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने के लिए है। जैसे गणेश जी एकमात्र ऐसे डाइटी हैं, एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनका शरीर बच्चे का है लेकिन दिमाग जो है वो सबसे ताकतवर जानवर का है, सबसे हैवी जानवर का है। जब एक बच्चा जाता है उस मंदिर के अंदर तो वो अपने आप से कनेक्ट होता है कि मेरे जैसा कोई देवी देवता है, रौद्र नहीं है, चूहे पर चलता है, मेरे जैसा है, नटखट है, एक दांत नहीं है, बच्चों के नहीं होते ना, वो उससे कनेक्ट करता है। और हर मूर्ति सिद्ध मंदिर में पश्चिम दिशा में लगी होती है, आप जाओ चेक करो क्यों लगी होती है, क्योंकि पश्चिम दिशा स्पेस एलिमेंट की है और वहां पर देखकर पाठ पूजा करने से मैनिफेस्टेशन जल्दी होती है। अब जब बच्चा पढ़ाई के टेबल पर गणेश जी की मूर्ति छोटी सी लगा लेगा, रख लेगा, ये कॉपियों में गणेश जी का स्टिकर भी बना लेगा, तो उसकी बुद्धि स्ट्रांग हो जाएगी। ये उपाय है।